हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू आर डूइंग वेल कंप्यूटर अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे अभी तक हमने इसकी तीन वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को जाना था कंप्यूटर के मेमोरी मैनेजमेंट को जाना था और इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की आउटपुट यूनिट को के लिए बात करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में देखिए पहला पहली चीज़ क्या होती है आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्या होती है देखिए नाम से ही पता लग रहा है जो हमें रिजल्ट दें ठीक है कंप्यूटर के अंदर अभी हम क्या कर रहे थे हम इनपुट दे रहे थे कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा था देन प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट कहते हैं सो आउटपुट यूनिट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें ये देता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस किसकी हेल्प से देता है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस की हेल्प से जैसे कि आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं प्रिंटर क्या होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होती है इट रिप्रजेंटेड सॉफ्ट एंड द हार्ड कॉपी ये हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी या तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेगा या फिर उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉपी मीन्स कि उसको पेपर पर आपको को प्रिंटर की हेल्प से प्रोवाइड कराएगा पी डी एफ का सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया जैसे कि हमारी वर्ड की फाइल हो जाती है या पी डी एफ हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं विच कैन बी रीडेबल बाय द यूजर और जो यूजर के द्वारा रीडेबल होगी जिसको यूजर आसानी से रीड कर सकता है और उसको समझ सकता है आगे चलते हैं कंप्यूटर पेरीफेरल अब देखिए कंप्यूटर पैरीफेरल क्या होते हैं पेरिफेरल डिवाइस लिंक टू द कंप्यूटर सिस्टम देखिए कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो अदर डिवाइस लिंक होती हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर पेरीफेरल इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखिए जो हमने कोर आर्किटेक्चर की बात की थी कि एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है इनपुट यूनिट होती है उसके अंदर देन फिर आ, आपने एक वो पढ़ा ए पढ़ा था कंट्रोल यूनिट पढ़ा था ये उससे अलग होता है ये कंप्यूटर कोर मैनेज कोर कोर आर्किटेक्चर के अंदर नहीं आता है इनपुट डिवाइसिस आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसिस आर द टाइप्स ऑफ द पेरीफेरल डिवाइस देखिए जितनी भी इनपुट डिवाइसिस होती है जैसे कि आपका कीबोर्ड माउस आपकी आउटपुट डिवाइसिस जैसे कि आपकी स्क्रीन एंड द स्टोरेज डिवाइसेज आर द टाइप्स ऑफ द पेरीफेरल डिवाइसिस और जो आपकी स्टोरेज डिवाइसिस होती है उनको हम क्या बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइसिस बोलते हैं बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में इनपुट डिवाइस क्या होती है देखिए इनपुट डिवाइसिस आर एज ए लिंक बिटवीन ए यूजर एंड द कंप्यूटर देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर और यूज़र के बीच का एक ब्रिज कह दीजिए एक लिंक कह दीजिए उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस इट अलाउ यूज़र टू फीड इंस्ट्रक्शंस ये क्या करता है हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस डालते हैं एंड द डेटा टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले हम डेटा को कंप्यूटर uh, के अंदर फीड करते हैं वो प्रोसेस करता है और हमें डेटा को क्या कराता है डिस्प्ले कराता है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन सम इनपुट डिवाइसिस आर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो जिनके बारे में हम बात करेंगे जैसे कि पहला आता है कीबोर्ड इट इज यूज टू एंटर द डेटा इन टू द कंप्यूटर इन द बोथ एल्फा एंड द न्यूमरिक फॉर्म देखिए हम अपने डेटा को एल्फाबेटिक फॉर्म में या फिर न्यूमरिक फॉर्म में फीड जो करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं keyboard की की हेल्प से करते हैं देन फिर आपकी टोगल कीज आती हैं टोगल की क्या होती हैं इट इज यूज टू चेंज द इनपुट मोड ऑफ ए ग्रुप ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड देखिए जो हमारा नॉर्मल इनपुट uh, करने का एक मैथड होता है अगर हम इन टोगल कीज के साथ उनको यूज कर देते हैं तो उसके मैथड को ही ये चेंज कर देता है जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कैप्स लॉक होता है नम लॉक होता है स्क्रॉल लॉक होता है ये क्या है आपकी टॉगल कीज हैं ठीक है इस कैप लॉक्स में क्या होता है कि आपके जितने भी लेटर्स होंगे उनको कैपिटल फॉर्म में कर देता है नम लॉक में क्या होता है कि अगर आप उसको ऑन कर देते हैं देन आप नंबर को फीड कर पाते हैं ऐसी एक स्क्रॉल लॉक कीज होती हैं जिससे आप अपने पेज uh, को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर पाते हैं कैप्स लॉक वही बताया मैंने कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स सभी लेटर्स को क्या करता है कैपिटल uh, में चेंज करता है नम लॉक मेक श्योर नंबर्स आर इनपुट फ्रॉम द Keypad. Keypad की पैड की पैड की हेल्प से आ, हम उसमें क्या करते हैं नंबर को फीड करते हैं इनपुट डालते हैं स्क्रॉल लॉक अलाउज द एरो की टू द स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट ऑफ द विंडो देखिए इसमें क्या होता है अलाउ द एरो कीज एक एरो कीज की हेल्प से टू स्क्रॉल। हम अपने कंटेंट को क्या करते हैं स्क्रॉल करते हैं कंप्यूटर के विंडो पर नेक्स्ट मॉडिफाइड कीज देखिए मोडिफाइड कीज़ क्या होती हैं इट इज़ ए स्पेशल की की कॉम्बिनेशन देखिए सिंगल की नहीं होती है ये दो की को या दो से ज़्यादा कीज़ को मिलकर कोई भी फंक्शन को करते हैं जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूंगा जैसे कि आपको कंप्यूटर के बाहर आना है जैसे कि आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं आप कंट्रोल ऑल टू डिलीट को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप उस विंडो को क्या कर सकते हैं क्लोज़ कर सकते हैं देखिए इट इज ए स्पेशल की कॉम्बिनेशन दैट टेम्पररी टेम्पररी टेम्परली मोडिफाइज द नॉर्मल एक्शन ऑफ द अनदर की वैन प्रेस्ड टूगेदर मैंने बताया कि जब की को हम आ, एक साथ यूज करते हैं तो उसकी नॉर्मल फंक्शन को चेंज कर देता है और आपकी मॉडिफायर कीज क्या होती हैं शिफ्ट होता है ऑल्ट होता है कंट्रोल होता है फंक्शन कीज ये आपकी क्या है मॉडिफायर कीज है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें सी टी आर एल प्लस ओ ये ओपन के लिए एक शॉर्ट की होती है सी टी आर एल सी ये कॉपी के लिए आप यूज करते हैं सी टी आर एल प्लस वी ये आप डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो ये शॉर्ट कीज होती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आ, यूज होती हैं, तो इसको आप शिफ्ट हो गया ऑल्ट हो गया कंट्रोल हो गया फंक्शन हो गया दीज आर द मॉडिफायर कीज देन बात करते हैं शिफ्ट यूज फॉर कैपिटलाइज द लेटर एंड entering द डेटा टाइप ऑफ द सिंबल देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम अपने डेटा को टाइप कर रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन को टाइप कर रहे होते हैं तो कोई वर्ड हमें अगर कैपिटल करना होता है तो कैप्स लॉक ऑन ना करके आप क्या कीजिएगा सिफ्ट को प्रेस करना शिफ्ट को प्रेस करना प्लस एस जैसे मैंने को प्रेस करना है तो वो कैपिटल एस टाइप होगा या फिर आपको कोई सिंबल यूज करना है जैसे कि आपको एट द रेट सिंबल यूज करना है तो उसको क्या करेंगे आप सिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ आप न्यूमरिक कीज को प्रेस करेंगे क्योंकि न्यूमरिक कीज के ऊपर ही ये शिफ्ट हैश डॉलर ये साइन बने होते हैं तो आप पर्टिकुलर सिंबल को भी टाइप कर पाएंगे देन फिर आपकी फंक्शन कीज आती हैं अदर फंक्शन सच एज द ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम कंट्रोल देखिए इसके अंदर जैसे ब्राइटनेस का ऑप्शन हो गया आपका वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन हो गया आपका और आप इन, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल यूज फॉर एंट्रिंग की बोर्ड शॉर्टकट सच एज द कंट्रोल एस कंट्रोल पी जो मैंने बताया था देखिए सेव के लिए होता है ये कंट्रोल पी किसके लिए होता है ये आपको प्रिंट के लिए यूज करते हैं ओके ऑल्ट यूज इन कॉम्बिनेशन विद द न्यूमरिक कीज देखिए ओल्ट जो होता है ना वो न्यूमरिक कीज के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है एंड कंट्रोल कीज फॉर एंट्रिंग कीबोर्ड शॉर्टकट और कंप्यूटर के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो इसकी हेल्प से हम कर पाते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इसका एक कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट ठीक है ना इसी तरीके से देखो जैसे आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर हमारे चार एरो होते हैं इस तरीके से लेफ्ट राइट right और ये अप डाउन अगर आप इनमें से किसी को आ, प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और इस एरो के साथ तो एक कंप्यूटर की स्क्रीन को रोटेट कर देता है देखिए आगे पढ़ते हैं फंक्शन कीज फंक्शन कीज के बारे में जानते हैं फंक्शन uh, कीज एक की ऑन एक कंप्यूटर कीबोर्ड बोर्ड फ्रॉम द मेन एल्फा न्यूमरिक कीज देखिए जो हमारी एल्फा न्यूमरिक कीज होती हैं ये उनसे अलग होती हैं एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं फंक्शन कीज कहते हैं एंड ईच की परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन और हर एक की का क्या होता है एक डिफरेंट फंक्शन होता है इट मे बी यूज एज ए सिंगल की कमांड एफ फाइव और कंबाइंड विद वन और मोर मॉडिफायर कीज देखिए इनको आप सिंगल भी यूज कर सकते हो और मॉडिफायर की के साथ भी आप इनको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं एस्केप की इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए की बोर्ड देखिए जो आपका की बोर्ड होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर में एक एस्केप की होती है इट इज ऑफन यूज टू क्विट कैंसिल और अबोर्ड प्रोसेस विच इज रनिंग ऑन ए कंप्यूटर कंप्यूटर के ऊपर जो भी कोई प्रोसेस चल रहा होता है उसको आप अबोर्ड करने के लिए उसको रोकने के लिए आप इसको खत्म करने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं देन फिर आपका माउस आता है माउस क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस होती है एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है एक जो आपने देखा होगा एक एरो होता है इसको क्या बोलते कर्सर होता है जो इसका आ, जो कंट्रोल होता है वो माउस की हेल्प से होता है अ राउंड बॉल इन इट्स बेस सेंस देखिए जो पहले कंप्यूटर होते थे उनमें क्या होता था नीचे की तरफ एक बॉल होती थी और उस बॉल के मूवमेंट से ही हम इसको मूव करा पाते थे बट अब क्या होता है अब ऐसा नहीं है अब ऑप्टिकल एक ऑप्टिकल सेंसर्स भी अब इसके अंदर यूज़ होते हैं सेंस द मूवमेंट ऑफ ए माउस एंड सेंड करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द माउज बटन आर प्रेस्ड देखिए इस तरीके से माउस होता है आपका राइट right होता है लेफ्ट होता है सेंट्रल होता है यहां पर एक आपको व्हील होगा व्हील की हेल्प से आप पेज को अप या डाउन कर सकते हैं ए माउस हैज टू और द थ्री बटन कोल्ड द लेफ्ट राइट एंड द मिडल बटन सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे और अच्छे लेक्चर्स हम आपके लिए बना सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस